आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई है या नहीं और सही है या नहीं, एक्टिव है या नहीं, उसको कैसे चेक किया जाता है। स्वागत, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पर डे नया नया वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर नॉलेज प्राप्त होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप ये चेक कर पाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सा है और कौन सा एक्टिव है और कौन सा नहीं है। अगर आप डालते हैं मोबाइल नंबर तो उसमें आपको लिंक होगा तो बताएगा, नहीं लिंक होगा तो नहीं बताएगा। इसी तरीके से अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी अगर आपका एक्टिव है, वेरीफाई है तो बताएगा, अगर वेरीफाई नहीं है तो वो वहाँ पे शो कर देगा। तो आपको कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये पता लगाएंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी वेरीफाई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सा है और वो वेरीफाई है या नहीं, सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें आप टाइपिंग करेंगे UIDAI। यहाँ पर देखिए ये जो आ चुका है UIDAI.gov.in, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पे UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि माय आधार है, आपको इस पर जैसे कर्सर रखिएगा तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो आपका इस आधार कार्ड में लिंक है। इसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई करना। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि मैं आधार नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर या आप ईमेल आईडी कुछ भी डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यहाँ पे और है, इसीलिए आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या ईमेल आईडी, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। इसके बाद कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पे एज ए टीज डालना है, जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने में लिखा के आ चुका है दिस मोबाइल यू हैव इंटर्ड ऑलरेडी वेरीफाई विथ आवर रिकॉर्ड, बोला जा रहा है कि आपका जो ये है मोबाइल नंबर ये जो है ऑलरेडी आपके जो यहाँ पे रिकॉर्ड में है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप घर बैठे आप चेक कर सकते हैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल के या ईमेल आईडी डाल के कि आपका जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके आधार कार्ड के साथ वेरीफाई है या नहीं है, लिंक है या नहीं है, तो वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यहां बोला जा रहा है कि दिस मोबाइल यू हैव इंटर्ड ऑलरेडी वेरीफाई विथ आवर रिकॉर्ड, मतलब बोला जा रहा है कि ये मेरे रिकॉर्ड में मेरा आपका ये मोबाइल नंबर है। सो गाइस, ये बहुत ही आसानी से आप घर बैठे आप ये चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कि आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत डालता तो यहाँ पे गलत बता देता कि ये जो है रिकॉर्ड में नहीं है, या मैं ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे इंटर करता तो यहाँ पे जो बोलता कि ये जो रिकॉर्ड में नहीं है, बट मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे इंटर किया हूँ तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड में है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा ईमेल आईडी वेरीफाई है और वेरीफाई है तो लिंक है या नहीं और रिकॉर्ड में है या नहीं, ये सब आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये चेक कर सकते हैं।
तो सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी वेरीफाई है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।